मैं हूँ मैं कमाईनी शर्मा और हाजिर हो चुकी हूँ एक होर ब्रेकिंग न्यूज के नाल जो कि जुड़ी हुई है साड़ी ही पंजाबी इंडस्ट्री के नाल। वैसे जेकर गल की जाए तो पंजाबी इंडस्ट्री के लिए यह वक्त जिन्ना ज़्यादा क्रिटिकल है उन्ना ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि खबर यह सामने आई है कि उपासना सिंह जी की फिल्म का शूट चल रहा है मोरिंडा शुगर मिल की लोकेशन से और उत्थे रेड पै गई और मीडिया वाले इकट्ठे हो गए और ये प्रॉब्लम तीसरी बार साडे जिहड़े पंजाबी सेलिब्रिटीज़ ने वो फेस कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। और दसिया जा रहा है कि मौके पर उत्थे जिहड़ी क्रू सी वो बहुत ही लिमिटेड सी, बहुत ही घट जिहड़े सी कि उत्थे मैंबरस अवेलेबल सी और परचा नहीं होया है, लेकिन उस तो पहले ही जिहड़ी लोग ने फिल्म नाल जुड़े हुए टीम नाल जुड़े हुए उत्थों निकल चुके सी। लेकिन डिसअपॉइंटिंग यह है कि फिल्म का शूट बहुत ही घट रह चुका है और उपासना जी जो कि इस फिल्म नू प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, इस फिल्म के विच खुद किरदार भी निभा रहे हैं और ये उन्होंने पहली फिल्म सी जिसनू उपासना जी प्रोड्यूस कर जा रहे थे और वो चाहते थे कि मुंबई वापस जाने तो पहला उन्होंने इस फिल्म का शूट कंप्लीट हो जाए। सो इसे दे चलते वो प्रॉपर गाइडलाइनस नू फॉलो करद होया अपनी फिल्म का शूट कर रहे थे। इनफैक्ट जो साड़ी टीम उन्होंने सैट पर गई सी इंटरव्यू लई और उन्होंने फिल्म का शूट चल रहा है, फिल्म का नाम पहले मैं दसना चाहवागी, फिल्म है बाई जी कुट्टन के जिसनों डायरैक्ट कर रहे हैं समीप कंग और इस फिल्म के विच देव करौड़ जिहड़े ने वो लीड रोल दे विच नज़र आने वाले ने। और उदों भी जो उन्होंने नाल इंटरव्यू के दौरान गलबात हुई सी तो पूरी ही टीम ने कोरोना बारे गल करदिया होया दस्या सी, जिवें कि उपासना सिंह नू जो पूछा गया कि कोरोना पैंडमिक दे चलदे अजिही समस्या दे चलदे जो कि पूरा देश साडा इस प्रॉब्लम की चपेट के आया होया, आए दिन बहुत सारिया प्रॉब्लम्स फेस करनिया पै रही ने, सो काम करन दे विच किन्नी क प्रॉब्लम आती है, किन्नी क समस्या आती है लोगों के विच विचरना और फिर काम करना किन्ना क ज़्यादा चैलेंजिंग है। और उपासना जी ने दस्या सीगा कि वह करोना के चलते प्रॉपर गाइडलाइनस नू फॉलो करते हैं, जिथे भी शूट किया जाता है उत्थे खास ध्यान रखा जाता है कि लोगों का घट उत्थे ना हो, जिहड़ी बाउंड्रीज ने उसनू लॉक करवाया जाता है, स्पेशल बंदियां नू कहा जाता है कि कोई भी अंदर ना आए, सिर्फ फिल्म की जिहड़ी क्रू है वही अवेलेबल रहनी चाहिए है, वह भी प्रॉपर मास्क लगाते हैं, प्रॉपर सैनिटाइज किया जाता है चीज़ों। और इस तो इलावा भी उपासना जी ने कहा कि उन्होंने बेहद दुख है इस गल का कि टीम जो है जो फिल्म की कास्ट है क्रू है बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो चुकी है, जिसके चलते उन्होंने इस चीज़ का बेहद अफसोस है कि बहुत लोग जड़े है अनइम्प्लॉय हो चुके हैं, बेरोजगार हो चुके हैं, क्योंकि जो एक फिल्म का शूट स्टार्ट होता है तो उस टीम के नाल बहुत लोग जुड़े होंगे ने, स्पॉटमैन तो लैके कैमरामैन और बिहाइंड द कैमरा और कैमरा के अगे बहुत सारा वड्डा क्रू होंगे, लेकिन हुण लिमिटेड हो चुके हैं और उन्होंने इस गल पर दुख जताया सी। दूसरा दुख उन्होंने ये जताया सीगा कि कोरोना के चलते साड़ी पंजाबी इंडस्ट्री जेकर काम करने की कोशिश कर भी रही है तो किते ना किते मीडिया या फिर आम लोग उन्होंने डिसअपॉइंट फील करवाते हैं, कॉपरेट उस ढंग नहीं कर पाते, सो दैट ये समस्या बार बार सानू देखनी पैंदी है। अजिहा कि असा देख भी रहे हैं कि यह तीसरा केस हो चुके हैं लगातार कि जो किसी पंजाबी इंडस्ट्री के जोड़े स्टार्स ने सैलीब्रिटीज़ ने वो काम कर रहे हैं प्रॉपर गाइडलाइनस में फॉलो करके कर रहे हैं, क्योंकि मैं इतने दसना चाहवागी कि जो भी कोई फिल्म का शूट स्टार्ट होता है या कोई काम शुरू होता है तो फिल्म की टीम पहले प्रॉपर कोरोना टेस्ट करवाती है सो दैट वो सेफली काम कर सकन। उस तो बाद सैट पर कुछ लिमिटेड बंदे होंगे ने और इस तो पहले रिक्वेस्ट भी अप्लाई की जाती है सो दैट वो ईजीली काम कर सकन, हालांकि कोरोना के चलते काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बावजूद इसके साड़ी पंजाबी इंडस्ट्री डटी हुई है। खैर गल करते हैं देव करोड़ की, जो इस फिल्म के लीड एक्टर है और इस फिल्म के कॉमेडी के नाल एक्शन करते हुए नजर आएंगे, विच इज़ वेरी इंटरस्टिंग। पर उन्होंने भी इस गल पर दुख जाहिर किया जो उन्होंने पूछा गया कि कोरोना के चलते इस समस्या के चलते काम करना घरों बाहर निकल के आना और शिफ्ट लगाना किन्ना क डिफिकल्ट है, सो उन्होंने भी कहा कि उन्होंने बहुत अनसेफ फील होंगे क्योंकि घर परिवार है, बाहर निकल के इदा काम करना लोगों का कट कर लेना या फिर मीडिया वालों या आम लोगों वालों सपोर्ट ना मिल पाना कितना ना कि बहुत रिस्की साउंड करता है और इसलिए थोड़ा अनकंफर्टेबल भी सी। पर हर किसी का राइट है अपने आप के लिए काम करना और इंडस्ट्री को अगे लेके जाना तो साडा तुहाडा दोनों का ही फर्ज है। सो देव करौड़ का भी यही कहना सीगा कि काम यूनिटी के नाल होंगे लेकिन
ਜੇਕਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਜੋ ਡਿਸਅਪੋਇੰਟ ਫੀਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਟ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਸੋਫਾਸ ਪਏ ਨੇ, ਚੇਅਰਸ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਪੋਰਟ ਬੋਆਏ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਿਮਿਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਸਕ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਾਈ ਜੀ ਕੁੱਟਣਗੇ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੋਰਿੰਡਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਰੇਡ ਪੈ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਜੇ ਕੁਛ ਸ਼ੂਟ ਬਾਕੀ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਾਸਟ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਪਾਸਨਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਅਪਸੈਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ ਕਿ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਪਾਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਰਫਿਊ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਕਦੋਂ ਨੋਰਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਝਾਕ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਰੇਡ ਪਈ, ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੈਰ ਉਹ ਬੇਲੇਬਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਖੈਰ ਇਹ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿਨੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ